एक्चुअली मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ काफ़ी सालों से. आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर फिल्म्स. लेकिन मैंने एक शो किया था गोल्ड अवार्ड्स कुछ 3 साल पहले और जी टीवी में जो उस वक्त काम कर रहे थे वो उन्होंने कहा था कि गीता एक शो आ रहा है, वुड यू लाइक टू डू इट. एंड आई वाज लाइक व्हाट शो? डांस शो. हाँ तो डांस शोज बहुत बनते हैं, आते हैं, होते हैं. आई सेड डांस शोज से मींस दैट देयर इज नो रियलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी इन द शो. सो ही इज लाइक हम ऐसा शो बनाएंगे जो सिर्फ टैलेंट को पहचानेगा एंड यू टेल मी इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. एंड आई सेड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसमें है क्या, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग हार्ड. लोग जानते हैं ऐसा, मुझे एक ही चीज चाहिए और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग गीता कपूर इस नाम के साथ एक एक चेहरा भी हो, क्योंकि लोग नाम जानते थे. मैं उससे पहले बहुत काम कर चुकी थी एंड देयर वाज नो फेस टू द नेम. तो ही सेड आप ऑनेस्टली काम करो, अगर आपको लगता है कि ये शो ऑनेस्ट है आपकी ऑनेस्टी काम कर जाएगी. एंड दैट्स जस्ट व्हाट हैपेंड. इन अ इयर्स टाइम ये शो खत्म हुआ और जब तक शो चलता रहा मुझे वक्त नहीं मिला बाहर जाने के लिए, ना किसी से इंटरेक्ट करने के लिए. लेकिन द सेकेंड डे आई वॉक्ड इनटू अ सुपरमार्केट एंड दिस मैन विद चिल्ड्रन केम अप टू मी, सर गीता माँ. एंड ड्रीम कम्स ट्रू. आई वाज लाइक यस. ही सेज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. उसके हाथ में 2 बच्चे थे और मुझे गीता माँ बोल रहे थे एंड आई वॉज लाइक ओके. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे बिल्डिंग से एक बहुत ज़ईफ एजेंट आदमी, यू नो ही इज लाइक अ दादाजी टू एवरीबॉडी इन द बिल्डिंग, ही वॉक्स आउट एंड सेज गुड मॉर्निंग गीता माँ. एंड आई कांट टेल, दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी फ्रॉम DID. I don't know how many shows I've done in India around the world, but the audience has given so much love, so much encouragement. I must tell you, on my first show, pehlu je maru show thayu hatu e kaata laga na release thavana around just about 8 divas pachi thayu hatu. I was so new, it was my first time on stage, and the audience, I still remember, it was in Calcutta in the stadium, and there were about 8,000 to 9,000 people audience. And stage par hu pochi ne track shuru thayu ne I went blank. I stood there, I froze, because I was scared, I was nervous. But Avama, the audience cheered, they clapped, they whistled, and they encouraged me so much that I got back to action. So I'm very thankful to my audience. Actually, I've had a wonderful, wonderful, wonderful audience. I'm not embarrassed about what I do. I think I can never be embarrassed of Kaata Laga, because mane lage chhe ke loko, they work all their lives to create an identity. But Kaata Laga has done it for me. There will not be a second Kaata Laga girl. There is just one Kaata Laga girl. So I'm very thankful to Kaata Laga. And about the image, that's okay. I mean, the audience are they have accepted me. So however they want to accept me, I'm thankful to them. The people who are close to me, who know me personally, they know what I am like. So I'm really fine with the way I am. रुद्र महाराज जी, एक अंगत सवाल. जैसे इस अस्खलित वाणी चलती रहती है, क्योंकि बार बार अगर सुना है, अगर 500 बार सुना है तो भी लोग सोचेंगे कि रुद्र महाराज जी आए, हमको जरूर सुनना है और प्रत्यक्ष सुनना है. कहाँ से अस्खलित वाणी के पीछे, अगर आप क्या 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 बल क्या है ये अब मेरे हिसाब से हर हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि वांचन, संस्कार,
गुरु की दीक्षा क्या है ये? गुरुदेव का प्रसाद है, दूसरी बात यह है कि मैंने देश की वेदना को दिल से जिया है। जब उसको व्यक्त करती हूँ तो दिल से व्यक्त करती हूँ, वात्सल्य को जीती हूँ तो वात्सल्य को बोलती हूँ, भक्ति के भाव में डूबती हूँ तो भक्ति को बोलती हूँ। देश के प्रति अगर कोई देश का अपमान करता है तो चित्त में आक्रोश पैदा होता है तो आक्रोश को बोलती हूँ। ये कह सकती हूँ कि जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ, शायद इसीलिए वो दिल पे उतर भी जाता है। मुझे हमेशा ये बात दंश की तरह चुभती रही कि संबंध अवैध हो सकते हैं, संतानें अवैध कैसे हो सकती हैं? वो तो सनातन की हैं, वो तो दो जनों के प्रेम में से प्रस्फुटित एक तीसरा व्यक्तित्व है जो परमात्मा की रचना है। तो उनको अनाथ कहकर, अवैध कहकर और उनको निराश्रित कहकर बार बार कि तुम एक समाज का एक कुष्ठ की तरह हो, ये बात मुझे हमेशा अंदर से पीड़ा देती रही। क्योंकि मैं अतीत के भारत का जब दर्शन करती हूँ तो वहाँ सत्यकाम जावालों को देखती हूँ, घड़े में पाए गए बालक को कुंभज ऋषि बनते देखती हूँ, आंजने कैसे अंजनी के गोद में आ गए, कैसे भगवान राम की सहचरी जानकी बन गई जो धरती पे पाई गई कन्या थी। तो मुझे हमेशा लगता रहा कि हम जिन्होंने पाषाणों में परमात्मा का दर्शन किया है वो कैसे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। उन्नीस सौ छियासी में, क्योंकि मैंने दो तीन साल बाद मैंने अपनी मर्जी से वो किया, वो तो एक गैर बस थी। वो तो ये है कि एक आदमी अगर जज के बीच में पड़ जाएगा तो उससे जौन बोला जाएगा वो करेगा, क्योंकि उसका डर कराएगा। लेकिन जब हमारे जब पूरा परिवार पीड़ित होता गया है तो मैंने सरदार से खुद बोला था, जो उस गैंग का सरगना था लाला राम जी, तो मैंने अपने आप को बंदूक फैर उठाई है और उठाने सब वो मर्जी से हमने कि जो आप एक कहोगे मैं चार करने को तैयार हूँ। तो मैं बराबर उनके साथ में बकरते रहे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ली थी लाला राम जी ने बंदूक चलाने की, लेकिन माँ की ऐसी कृपा थी कि मेरे को ज्यादा कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ी। क्योंकि वहां माहौल में कोई व्यक्ति रहेगा, अभी एक बच्चा लेके अपराधी दुनिया में के देखो कोई भी है, कोई बच्चा पेट से अपराधी नहीं होता है, उसको अपराधी बनाया जाता है। कि एक अभी साधु उठा के बच्चे को ले जाएगा तो वो क्या एक सिखाएगा राम भजन का वो सिखाएगा? कोई अगर शिक्षक ले जाता है तो वो अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिख रहा है। तो लेकिन मेरे को तो अपराधी उठा के ले गया था, तो जिस अपराध में वो था उसी को मेरे को ढाल दिया। तो मैं बराबर उसी में बनी रही। जब मैं एक दो दफे लाला राम जी से ये भी कहा कि नहीं अब मैं जंगल में नहीं रहेंगे, मैं तो जाके यहाँ समर्पण करेंगे, तो लाला राम जी पहले तो हमसे यही कहते रहे कि आप अगर जंगल छोड़ के जाओगी पहले तो अगर किसी ने जान लिया आपको पुलिस मार देगी, जनता भी पकड़ा सकती है, और दूसरी बात ये है कि आप जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी, लेकिन कौन तुम्हारा छुटाएगा कहीं? तो हमने देखो कुछ भी हो लेकिन जाएंगे, लेकिन इतना डरवा देते थे अंदर से। तो मेरे को ये भी लगता था हो सकता है कि क्योंकि मैं जंगल में इतने दिन हो गए घूमते घूमते, हो सकता है किसी समाज ने हमें साथ नहीं दिया, हमारे घर वालों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इतना हमारे ऊपर हमारी वजह से पीड़ा सहा है घर वालों ने। तो मैं अपने आप को पहले ये सोचती थी कि हो सकता है कि अगर घर वाले हमारे नहीं अपनाया तो हमारे पास में जेल में कोई मिलने तक नहीं आएगा, तो मैं वहां पड़ी पड़ी कनौ एक सड़ेंगे। Actors, you cannot, I don't think, personally I feel an actor cannot take the responsibility of being a politician. Being a politician is a very different kind of field. Just because hum logon ko popularity hai, people follow karte hai, iska matlab ye nahi ki hum log we take advantage of that. If you have to be a politician, you have to get into a different route, learn what the ropes are of being a politician, to how to be a good politician, to take care of the country, and then you can be a politician. Not just based on the popularity, kyunki itne log hamare followers hai, to isliye hum politician ban jaye. I think I don't agree with that at all. Chemistry meri bahut fit hui Dilip ke saath, Malayalam ke Dilip ke saath, aur Kannada mein शास्त्री बोल के एक बड़ा बहुत बड़ा हिट हुआ था दर्शन के साथ। सो एक एक लैंग्वेज में दूसरे दूसरे हीरोज है, क्योंकि आई कैन नॉट इक्वलाइज ऑल द हीरोज बिकॉज दे आर डिफरेंट डिफरेंट हीरोज। तो तेलुगु में मेरे शिवाजी के नाम के साथ एक एक्टर के साथ केमिस्ट्री जमी थी। लेकिन जो मैं पर्सनली बहुत बहुत फेवरेट है मेरे एक्टर मम्मूटी के साथ, मम्मूटी के साथ मैंने तीन फिल्म की है,
और उनके जैसा तो मैंने, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन, अ परफेक्ट एक्टर, और मैं एक्चुअली उनके एज और मेरी डैडी के एज के हैं, लेकिन फिर भी दे मेड मी लुक लाइक हिज वाइफ इन द फिल्म. सो वो केमिस्ट्री वाज, आई थिंक वाज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. राजीव दीक्षित जी के जो वक्तव्य चलता हो और आंकड़े नहीं आए तो कुछ कमियां लगेगी, बताइए. अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल फिगर्स है कि वो हर साल यहाँ से 70 करोड़ रुपए लेके जाते थे. ये रुपए में मैं बात कर रहा हूँ तब जब 300 गुने से ज्यादा रुपए में इन्फ्लेशन आ चुका है तब से लेके आज तक. तो अगर वो इन्फ्लेशन को साथ में रखें तो मान लीजिए 21,000 करोड़ रुपए के आसपास वो लेके जाते थे साल में. अब आजादी के 62 साल के बाद करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं. तो उल्टा हो गया मामला. आजादी के पहले हम ज्यादा स्वदेशी थे, आजादी के बाद ज्यादा विदेशी हो गए. तो हमको स्वदेशी की तरफ जाना है. ये हमारा सबसे बड़ा लॉजिक है कि अपना पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए, और वो भी ऐसी चीज वस्तुओं को खरीदी करके जो हम बनाते हैं. जो बॉलीवुड स्टार्स टेलीविजन शोज होस्ट कर रहे हैं उन शोज का कैनवस बहुत बड़ा है, और उनका कैनवस इसीलिए बड़ा किया गया है क्योंकि उसमें एक बॉलीवुड स्टार है एज अ होस्ट. तो अगर कोई टेलीविजन से गया हुआ व्यक्ति उन शोज को होस्ट करेगा तो उनका कैनवस इतना बड़ा नहीं होगा. तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि शोज बनने के बाद बॉलीवुड से कोई होस्ट को लाया गया है, पहले बॉलीवुड से होस्ट आया है और फिर शो बनाया गया है. तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंपटीशन है, क्योंकि वो शोज ही उनके हिसाब से बनाए गए हैं. ऐसा नहीं है कि वो शो पहले बनाए गए और उसमें टेलीविजन से किसी एक को हटा के इसकी जगह ले लिया. ओके, मतलब जो उनके हिसाब से बनाए उसमें उनको आना शोज है जो बॉलीवुड स्टार्स होस्ट कर. बहुत तारीफ है आपके सामने भी आपके इंकरिंग की होती है. क्रिटिक्स भी लिखते हैं कि यस, प्रवेश के नाम से इस रूप में एक अच्छा सा एंकर इंडस्ट्री को मिला हुआ है. किसको आइडल मानते हैं, किसके किससे प्रेरित हुए थे, किसी को देखा था कि अपना खुद का यू मेड योर ओन स्टाइल? मैं शुरुआत से ही, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस शो का हिस्सा था जिसमें वो थे बच्चन साहब. मुझे नहीं लगता कि कोई उनको टच भी कर पाएगा आने वाले समय में. अगर मैं 10% भी जो वो करते हैं उसका कर लूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा. भारतीय जे चिंतन छे ये धर्म ने ऑक्सीजन कहे छे, अफीण नहीं. धर्मनी अगत्यता तमारा जीवन में ऑक्सीजन जेटली छे, जे प्राणवायु ने तमे श्वसो छो अने एना विनानु जीवन शक्य नथी. कारण के धर्म एने अफीण बनावो के ऑक्सीजन बनावो ए पण माणस ने एना उपर आधारित छे. जे धारण करे छे ते धर्म, धर्म एटले फरज, धर्म एटले गुणों, धर्म एटले वेल्यूज. अने ए वेल्यूज जो नहीं होय व्यक्ति अने समाज में तो कोई पण व्यक्ति के समाज टकी न शके. अने परिणामे जे धारण करे छे ए धर्म छे. धर्मनी व्याख्या अपना ऋषिओए मात्र कर्मकांड के मंदिरों मस्जिदों पूरती मर्यादित नथी राखी. यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः. आ केवी सरस डेफिनेशन छे, जेनाथी आ लोक में आ जीवन में तमारो अभ्युदय थाय सर्व प्रकारे अने तमारो परलोक पण सुधरे, आ धर्म छे. हवे आ डेफिनेशन दुनियाना बधा ज धर्मों ने लागू पड़े छे, आ मात्र हिंदू धर्मनी व्याख्या नथी. पण थयुं छे एवुं के समय जता धर्मनी जे वैज्ञानिकता हती ए खोवाती गई अने धर्म मात्र क्रियाकांड में अटवातो गयो. સ્મૃતિજી, ક્યાંક આપને લાગે છે ખરું કે એ જે વિચાર હતા, એ જે થોટ્સ હતા, એ સમય લાગતું હતું કે ફક્ત સ્મૃતિજી પોતે જે વિચારે છે એ ટાઈમે કદાચ એ લોકોને લાગતું હશે કે આ કેમ અત્યારે, એ જેને અત્યારે એ નોર્મલ થઈ ગયું છે આ ફેશન શો, એ જ વિચાર વર્ષો પહેલા 68-69 માં સ્મૃતિજી આવ્યો હતો એ સમયે
વિરોધ પણ થયો હોય. મારો વિરોધ તો ઘણા લોકો કરતા હોય છે, પણ હું એ વિરોધને છે ને મારી પોતાની પર્સનલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે ગણી લઉં છું. કારણ કે વિરોધ માત્રથી તમે જેટલી ફ્લેટરીથી તમારા પોતાના વખાણથી શીખો છો, એના કરતાં તમારા વિરોધથી તમે ઘણું શીખો છો. અને એ જ તમારા જીવનમાં શીખવાની તકને તમને વધારે વધારે તકો આપે છે અને તમારા કોન્ફિડન્સનું લેવલ ખૂબ વધારે છે. વિરોધ વચ્ચે તમે કોઈ કામ કરો અને એમાં તમે સફળતા થાય, પણ ત્યાં તમારો ભાવ સારો હોવો જોઈએ. યુ હેવ ટુ બિહેવ વેરી ઓનેસ્ટ કે તમારું આ કન્વિક્શન શેના માટે છે. ઇટ ઇઝ ફોર યોર ઓન સેલ્ફ ઓર ફોર ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન? ઇફ ઇટ ઇઝ ફોર ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, ધેન યુ વિલ ડેફિનેટલી વિન ધ ગેમ. એન્ડ ધેટ્સ વોટ વી ડીડ ઇન ગુજરાત સમાચાર લોંગ બેક. આચાર્ય ધરેન્દ્રજી મહારાજ સ્વામીજી કુછ સાલ પહેલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કે બહુત હી કરીબી થે ઓર તેજ તર્રાર વક્તા પ્રવક્તા કે હિસાબ સે આચાર્ય ધરેન્દ્રજી સ્વામીજી અપને આપકો રખતે થે. લેકિન કહીં ના કહીં લગતા હૈ કે પિછલે કુછ સમય સે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સે આપકી દૂરી બઢી. યાને સ્વરાગન છોડ દિયા આપને, અબ દૂસરા વિષય હૈ. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ મેરા મેરી ચમડી મેરી હડ્ડી મેરા માંસ મેરા રક્ત मेरा अस्तित्व, मैं उससे कहीं अलग नहीं हूँ. जिस प्रकार से ऑक्सीजन अलग नहीं किया जा सकता, मैं करीब कब था और अलग कब हुआ? मैं आज भी करीब हूँ, करीब नहीं हूँ. अगर आपको बुलवाते थे करीब नहीं हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाते थे तो पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बुलवाते. मैंने आपको नहीं, मैंने होटल में बुलवाते. मैं देखिए हुजूर आला, मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया. इसको बदतमीजी न माना जाए. आप स्वयं मुझ पर कृपा करके, बराए मेहरबानी, आप खुद मेहरबानी करके आप तशरीफ लाए हैं मेरे गरीब खाने पर, जो इसमें मेरा गरीब खाना बना हुआ है. तो मेरे निवास स्थान पर आप स्वयं आए हैं, तो ये तो जो है वो बड़ी कृपा है आपकी. अब मैं न आपके स्टूडियो में जाना पसंद किया और न वणिकर भवन जाना पसंद किया, इसलिए कि मेरे घुटने में दर्द है और मैं जितना ज्यादा चलूंगा रिलैक्स मुझे मिलेगा नहीं. मैं इसको रिलैक्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैं घुटनों से बहुत काम लेना चाहता हूं, क्योंकि घुटने किसी के सामने अभी तक झुके नहीं है, टेके नहीं गए हैं, आगे तक इनको मैं टेकना ही चाहता. इसलिए यदि मैं अपने निवास स्थान पर प्रेस को बुला रहा हूं, बुला नहीं रहा हूं, प्रेस खुद आ रहा है, तो ये प्रेस की मुझ पर कृपा है. First of all, Lisa, I want to know what is your mission and what you are going to convey the message to the people. Well, it happens that I really love dogs. And so it's always a little bit difficult for a foreigner when we come here because we see many of them suffering on the streets. There's also a lot of people who don't really like dogs, which is understandable because you have a rabies issue. But there are ways of managing the situation that can make it a good situation for everybody. One of these things that's very important for the city to do is to implement a very large-scale sterilization program of the dogs. What that means is the dogs get caught and there's a surgical procedure that once they go through it, they don't have any more babies. So over time, the population will slowly start to decline. This is the only legal way to address the dogs. ગટરનું પાણી છે ને એ તમે ગંગાજળમાં નાખો ને એટલે ગટરનું પાણી પણ ગંગાજળમાં ખપી જાય. એવી જ રીતે ગંગાના પાણીને તમે ગટરમાં નાખો તો ગંગાજળ હોવા છતાં તમે પછી એમાંથી ડબલું ભરો ને તો એમ કહે કે આ ગંગાજળ નથી, ગટરનું પાણી છે. સમાજે, કલાકારે, કલાના પોષકોએ, બધાએ ગંગાજળ અને ગટર વચ્ચેનો જે ભેદ છે એ બાબતમાં જાગૃત રહેવું જોઈએ. હું બધાની વાત કરું છું, ખાલી કલાકારની વાત નથી કરતો. શ્રોતાઓ એમાં આવી ગયા, આયોજકો આવી ગયા, સમાજ તો પહેલા આવ્યો. કારણ કે તમને જો લાગતું હોય કે સ્વર અને શબ્દની સાધના નથી તો તમારે એને સપોર્ટ ન કરાય, એને હોમવર્ક કરીને આવવા દો. મારો દીકરો પોતે ગાય, સરસ અવાજ છે, પણ મારે એને કલાકાર થવાની, મેં કીધું તું ઉતાવળ નહીં કરતો. કાલ સવારે પંડિતોની સભામાં બેસવાનું થાય અને ત્યાં કોક અણિયાળો પ્રશ્ન તને પૂછશે તે છે તું નીચી મૂંડી કરીને બેસી જા
કે જવાબ ના આપ, અથવા તો અહીં ઓઢ ખંજવાળીને એમ કે મને ખબર નથી. તો મેં કે તારું બધી જિંદગી નકામે ગણાય, કારણ કે આ ક્ષેત્ર એવું છે, આમાં મૂર્ખ પણ મળશે અને પંડિત પણ મળશે. એટલે કેસેટ સાંભળીને કલાકાર થવું એક વાત છે, એને કલાકાર તમે કહો છો એટલે હું તો એને વેપારી કહું છું, પણ સાધ એક વસ્તુ નક્કી છે કે તમે સરસ્વતીની સાધના કરી હશે ને તો તમારી પાછળ લક્ષ્મી આવશે. પણ લક્ષ્મીની સાધના કરી એટલે સરસ્વતી પાછળ આવે એની કોઈ ગેરંટી. મણિયારો હલું હલું થઈ રે બીજો રે, મણિયારો રે હલું હલું થઈ રે બીજો, એ મુજા દલડા ઉદાસી માં હોય રે છેલ મુજો, હાલારી મણિયારો કે ભેણ મુજો એ વરણાગી મણિયારો. અરે મજી ગુજરાતી સારું બોલી શકો છો. મને જ્યાં સુધી હું ભૂલ ન કરતો તો જામનગરમાં આપે લગભગ 15 વર્ષ કદાચ આપે કાઢ્યા છે. ઓકે, મને જામનગરની થોડી વાતો કરવી છે. કઈ રીતે જામનગર આવવાનું થયું? મારું જન્મ ત્યાં થયું છે જામનગરમાં, કેમ કે મારો ડેડી છે એ એરફોર્સમાં છે, એરફોર્સ જામનગરમાં. તો એનું પોસ્ટિંગ બેંગ્લોરથી જામનગરમાં થયું અને પછી મારું જન્મ થયું ત્યાં. અને 15 વર્ષ નહીં, 19 વર્ષ જામનગરમાં. તો સ્ટડીને સ્કૂલિંગ બધું કર્યું, સ્ટડી કોલેજ. ઓકે, કઈ જગ્યાએ કર્યું તું સ્ટડી? સ્ટડી હું એરફોર્સ સ્કૂલમાં કર્યું અને પછી એના પછી મારે ગુજરાતી મીડિયમમાં જેકોબિન મીડિયમ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ છે ત્યાં, જેકે હાઈ સ્કૂલ, ત્યાં મને કોલેજ અને બધું. કોલેજ ક્યાં સુધી, શેમાં કઈ સ્ટ્રીમ લીધી હતી? કોમર્સ આર્ટ્સ? સાયન્સ કરતો હતો હું અને 12th નું બોર્ડ એક્ઝામ ચાલતું હતું અને મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળ્યું મુંબઈ જવાનું. તે મારો પેરેન્ટ્સ કહેતા હતા કે એક્ઝામ દઈ દે અને મને મુંબઈ જવું હતું, તો મેં કીધું હવે બે માંથી એક જ. આઈ ચોઝ ડાન્સ લાઈન. એને નામે ભગવાન હું, નામે ઇન્સાન હું, દુનિયા જો ચાહે સમજે મેં એક ઇન્સાન અને ઇન્સાન જ રહેવા માંગુ છું. એટલા માટે હું મારા નામને આગળ પાછળ કોઈ વિશેષણ પણ સ્વીકારતો નથી જ્યાં સુધી સમાજ કેવળ અને કેવળ મોરારી બાપુ સમજે. અને મને એમ લાગે છે કે આપણે મૂળ રૂપે સમાજની સામે હોઈએ ત્યારે લોકોની નિષ્ઠા વધારે સારી રીતે જાગૃત બનતી હોય છે. અપેક્ષાલીન લોકો આવતા હશે એની દ્રષ્ટિ હશે, પરંતુ હું તો માનું છું કે આપણી ઈચ્છા પૂરી થાય તો હરી કૃપા, ન થાય તો હરી ઈચ્છા. જેહાદી આતંકવાદને ખતમ કરવા માટે સ્પેશિયલ સજેશન્સ પણ, કારણ કે આપના દ્વારા પોલિટિકલ સજેશન પણ આપની સાથે કનેક્ટેડ પોલિટિકલ પાર્ટીઝને ભૂતકાળમાં પણ આપ આપતા રહ્યા છો, માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા છો. શું લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં ક્યાંક જે પ્રમાણે ફેડરલ એજન્સીની વાત ચાલી રહી છે, કેવા સ્ટેપ્સ આપને લાગે છે મિસ્ટર પ્રવીણ તોગડિયાને કે આ વસ્તુ કરવાથી, આ સ્ટેપ્સ લેવાથી આ દેશમાંથી જેહાદી આતંકવાદીઓનો સફાયો કરી શકાય? જેહાદી આતંકવાદ ના બે ભાગ છે, એક આતંકવાદ, એક જેહાદી આતંક. આતંકવાદ અર્થાત 5 લોકો બંદૂક લઈને 1-1 ફૂટી સેલ લઈને મારવા નીકળે, શું કામ? એ ગાંડા થઈ ગયા છે, જેવું અમેરિકામાં કરે છે. જો 5 લોકો ગાંડા થઈને કોઈને મારવા નીકળે એને પોલીસ કંટ્રોલ કરી શકે, પરંતુ આ 5 લોકો ગાંડા થઈને જ નીકળ્યા, એને કોઈ વિચારધારાએ પ્રેરિત કર્યા છે, એને કોઈ વિચારધારાએ કહ્યું છે કે ક્રુઝેડ, ઝિયોનિસ્ટ અને હિન્દુ તમારા દુશ્મનો છે, એની સામે તમારે લડવું છે. આવા આતંકવાદને પોલીસ દુનિયામાં ક્યાંય કંટ્રોલ ન કરી શકે. આ વૈચારિક આતંકવાદ છે, તમારે એની સામે વૈચારિક લડાઈ લડવી પડે. હિન્દુસ્તાન એક યુદ્ધ ભૂમિ મેં ખડા હૈ ઓર જીતને અધિક આક્રમણ ઇસ સમય હો રહે હૈ ઉસકે મન ઓર ઉસકી કાયા પર
इतने पहले कभी नहीं हुए थे। मन पर आक्रमण कर रही है इस देश की सरकार, जो हिंदुओं के पैसे, हिंदुओं के वोट, हिंदुओं के समर्थन से चुनी जाती है, और उसने हिंदुओं के वोट से, हिंदुओं के विश्वास से विश्वासघात किया है। एक दूसरा आक्रमण हमारी काया पे हो रहा है, जो ये जिहादी आक्रमण हो रहा है और जो ईसाई धर्मांतरण का आक्रमण हो रहा है। वे लोग स्वामी लक्ष्मणानंद जी की उन्होंने कंधमाल में हत्या की, और दुर्भाग्य की बात है कि उसके विरुद्ध जिस प्रकार का एक मानस तैयार होना चाहिए था, सेकुलर उसमें नहीं तैयार हुआ, लेकिन हिंदू मानस अब क्षमा करने के मन में नहीं है। और दूसरा हमारा ये जिहादी आक्रमण हो रहा है। हम सबको एक भारतीयता के साय तले, एक तिरंगे के साय तले केवल एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारत की जन सुरक्षित रहे और हिंसा से परे रहे। जो धर्मांतरण है वह हमारे मन पर हिंसा है, क्योंकि धर्मांतरण जब करते हैं हमारे देवताओं का अपमान करते हैं, राम और कृष्ण का अपमान करते हैं, इस देश की सभ्यता का अपमान करते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम वेटिकन वाले हो जाओ। ये वेटिकन का साम्राज्यवाद और अरब का साम्राज्यवाद, इन दोनों को अब हमें समाप्त करने का वक्त आया। इसमें देशभक्त हिंदू, देशभक्त मुसलमान दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो समझदार मुसलमान हैं वे घोषित करते हैं कि हिंदुस्तानी इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इस्लाम इन द वर्ल्ड। तू मैमे के 3-4 साल बाद इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे कॉमेडी कुछ करना ही नहीं पड़ता था। मतलब अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट मुझे वो करने के लिए बहुत ही ईज महसूस होने लगी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे ये बहुत ही आसान लग रहा है तो मैं दूसरा कुछ ट्राई करूं। लेकिन दूसरा कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि वो कितना डिफिकल्ट है, और वो डिफिकल्ट जो है उसे आसानी से या ईज से परफॉर्म करना वो काफी कम लोगों के सौभाग्य में आता है। इसीलिए मैं खुद को अच्छे अच्छे कॉमेडी किरदार में देखना पसंद करूंगी, वो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों को नए बच्चों को लाने का एक अलग प्लेटफॉर्म जो ICL ने क्रिएट किया, बहुत लोगों ने मतलब फिर कॉपी भी करना चालू किया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आज हिंदुस्तान या वर्ल्ड के कोई भी क्रिकेट लवर है उनको, कि क्रिकेटर को जो सही वैल्यू मिलनी चाहिए दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाई ICL। इस बहुत ही बड़ा बिग बजट ये पूरा इवेंट करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि इतना बिग बजट को और ग्लैमराइज करने में कहीं ना कहीं क्रिकेट को कहीं साइड ट्रैक करना भी कहीं कहीं एक आक्षेप भी हो रहा है? ये ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि क्रिकेट तो क्रिकेट मैदान में ही खेली जाएगी, उसके बाद जो एंटरटेनमेंट होती है वो आज का पब्लिक है उनको पसंद है, शायद पसंद है। आज से 30 साल पहले ऐसे नहीं होता था, आज से 30 साल पहले कोई आउट करता था तो वो सिर्फ ताली बजा देते थे, वेल बोल्ड बोल देते थे। आज फिर उसके बाद हाथ मिलाना शुरू किए, फिर क्लैपिंग शुरू हुई, आज जब्फी डाल के मिलते हैं, आज एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं फुटबॉल की तरह। ये तब्दीलियां आती रहती हैं, और तब्दीलियां अगर गेम को खराब नहीं करती तो कोई खराब नहीं है। आज पब्लिक को पसंद है, प्लेयरों को पसंद है एक्साइटमेंट ग्राउंड में शो की जाए, दिखाई जाए, तो अगर वो है आज की डिमांड तो होता है। शरद पवार क्रिकेट खेलते थे? सभी खेलते हैं जनरली। नहीं, मेरा सवाल सीधा सवाल है, शरद पवार मैं खुद खेलता था। क्या करता था? बॉटिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कोई हम बहुत अच्छे क्रिकेटर थे ऐसा हम बोलते नहीं, हम ज्यादा ऑर्गेनाइजर थे। और पूरी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का काम जब हमारे कॉलेज डेज में हमारे पास ही रहते थे, पूना यूनिवर्सिटी का रहता था। दूसरा एक मेरे पर्सनल फैमिली में माई फादर इन लॉ ही वॉज अ टेस्ट प्लेयर, वो बड़ौदा से खेले, यहाँ से खेले, मुंबई से खेले, भारत के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे हमारे परिवार में भी एक क्रिकेट का है, दो जनरेशन से ये देश के कई जगह पर है। मगर हमारा ध्यान इसमें इसलिए गया था कि हमने ये देखा कि जिन जनरेशन ने ये क्रिकेट के अच्छे दिन लाए, उस जनरेशन को उस जमाने में नया पैसा मिलता नहीं था। 5 रुपये या 10 रुपये मिलते थे टेस्ट के लिए, थर्ड क्लास पैसे की बात करें। आपने जो कहा कि पैसे के, तो इनकी हालत इतनी बुरी थी, ये हमें ठीक करना था, नई पीढ़ी को इनकरेज करना था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए अच्छा बनाना था, और ये सब करने के लिए संगठन मजबूत और नियत से चलेगी तो ये हो सकता है। इस पर हमारा ध्यान था और वो आज हो गया।